नमस्कार दोस्तों, आइए आज आपको दिखाते हैं भारत का पहला तैरता हुआ रेस्टोरेंट, फर्स्ट फ्लोटिंग रेस्टोरेंट ऑफ इंडिया। ये सिरहिंद में सिचुएटेड है और सिरहिंद में जो भाकड़ा मेन कैनाल है गोविंदगढ़ और सिरहिंद के बीच में, उसके ऊपर ही सिचुएटेड है। इस रेस्टोरेंट को अर्ली 70s में बनाया गया था और ये 50 साल अपने पूरे कर रहा है, तो गोल्डन जुबली मनाई जा रही है इस रेस्टोरेंट की। और ये दिल्ली अमृतसर हाईवे पर, जहाँ पे दिल्ली लाहौर बस भी रुकती है पाकिस्तान और इंडिया के टूरिस्टों के लिए, ये रेस्टोरेंट लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी है। और ये जो कैनाल है जहाँ पे बना हुआ है, ये 6 मीटर गहरी और 45 मीटर चौड़ी है। और ये लाइट वेट स्टील स्ट्रक्चर है जो वॉल्टेड रूफ के ऊपर है, जो एक वुडन डेक के ऊपर है, जो 5 सिलेंडर्स के ऊपर तैरता रहता है। ये 5 सिलेंडर आपस में बांधे हुए हैं। और ये रेस्टोरेंट जो है, इसके अंदर ट्रांसपेरेंट फ्लोर भी है जिसके नीचे से आपको नीला पानी बहता हुआ दिखता है। इसे डिज़ाइन किया था जीत मल्होत्रा और अमर राजेंद्र सिंह जी, डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर पंजाब के।